हो तो खुशामद पालन की, पर है पर लोक न सायन में, तुलसी आराम न काहू मिले आराम, है राम के पायन में। जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज और आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गुड लक। आज के गुड लक में हम आपको राशियों की जानकारी देंगे, साथ में बताएंगे लकी टिप, और आज के महा उपाय में हम आपको बताएंगे कि श्राद्ध कर्म करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या है तर्पण विधि। तो देर कैसी, शुरू करते हैं आपका ही अपना खास कार्यक्रम आज का गुड लक। कुंडली के योग बता देते हैं कभी कभी रोग। कुंडली की कुछ ऐसी बातें जो कह जाती हैं आपको आने वाले कल का, क्या आने वाला कल है आपका, कैसे आप कल को गुजारें, यानी कि आपकी कुंडली में गोचर की स्थिति और आपकी लगन कुंडली की स्थिति दोनों को मिलाकर देखा जाए तो आपको ये पता लग जाता है कि आने वाला समय आपका अनुकूल है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसके लिए क्या उपाय करें ताकि आपके जीवन में आ रही परेशानी बिल्कुल बाल बराबर हो, यानी कि परेशानी का योग टल जाए। उसके लिए क्या करें, सिर्फ अपनी कुंडली दिखाएं और ये जानकारी प्राप्त करें सिर्फ एक कॉल लगाकर। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। 27 सितंबर 2018 दिन गुरुवार का आज अश्विनी नक्षत्र। बात करेंगे आज के द्वितीय तिथि कृष्ण पक्ष चल रहा है और आज के योग की बात करेंगे, वैलघात योग। चंद्रमा का भ्रमण चल रहा है मेष राशि में, राहु काल का समय रहेगा 1:30 से लेकर 3 बजे तक। बात कर लेते हैं गोचर में आपकी राशियों की और मेष राशि वालों के लिए बात करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्राद्ध पक्ष में क्या करें। भाई श्राद्ध पक्ष की बात चल रही है, श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है, तो याद रखें श्राद्ध करते समय पुत्र का होना जरूरी नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार में ऐसा हो जो श्राद्ध कराना चाहता हो और उसके पिता हो तो वो श्राद्ध में ना बैठे, यानी कि पुत्र आपके सामने श्राद्ध में ना बैठे। यूं तो पोता, पुत्र, नाती, भाई, भतीजा, कोई भी श्राद्ध लड़का हो वो खानदान का साथ उस तो तक श्राद्ध कर सकता है, मगर उसके पिता न हो तब। और श्राद्ध करते समय धोती पहनना चाहिए, ऊपर के हिस्से में कोई वस्त्र आदि नहीं पहनना चाहिए। जनेऊ पहने, जनेऊ भी आपको वाम और दाम पक्ष करने पड़ते हैं। कंठी बनाकर भी धारण कर सकते हैं, ये विधि विधान है और उसका अलग अलग तरीके से यहाँ पर श्राद्ध की विधि बताई गई। पहले बात कर लेते हैं आपकी राशियों की कि मेष राशि वालों के लिए गोचर की स्थिति क्या कहती है। भाई हाथ में आता हुआ रुपया थोड़ा रुक सकता है, परेशान मत हो, थोड़ी अड़चने आ सकती हैं, शत्रु से सावधान रहे, अन्न का दान पंडित जी को दे दो, सबसे सरल उपाय आपके लिए। वृषभ राशि की बात करते हैं, शुक्र की राशि है, ऐश्वर्य आराधना में मन लगेगा, यानी कि आप कोई जप करो, ताप करो, कुछ भी करो वो आपके लिए ठीक रहेगा। मित्रों के बीच में थोड़ी गलत फहमी हो सकती है, काली या सफेद गौ को उसकी सेवा करो, भोजन दे दो, यथाशक्ति दे दो। मिथुन राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत है। भाई आज आपको संतान का सुख मिल सकता है, यहाँ पर आप उनके समय थोड़ा समय व्यतीत करें, खुशी का माहौल बनेगा। ब्राह्मण को तांबे के लोटे में गुड़ चना भरकर दान दो, देखो आपके पितरों को शांति मिलेगी। बात करते हैं कर्क राशि, चंद्रमा की राशि, मानसिक संतुष्टि व प्रसन्नता रहेगी, भौतिक ऐश्वर्य के साधनों की बढ़ोतरी भी होती दिखाई दे रही है। चावल में दूध मिलाकर भिगोकर गौ को और कौवे को खिलाओ, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। बात करते हैं सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए व्यापार में बढ़ोतरी की स्थिति बनेगी, विद्यार्थी वर्ग के लिए अच्छे परिणाम के संकेत मिलते हैं, सेहत आपकी उत्तम रहेगी, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर जाओ, किसी को प्रणाम करोगे तो उसका परिणाम आशीर्वाद है। बात करते हैं कन्या राशि की,
निवेश संबंधी निर्णय सही साबित हो सकते हैं, यानी कि प्लान कर सकते हो आने वाले नवरात्रों के दिनों में कुछ ले लो, ये आपके लिए प्लानिंग अच्छी है। व्यापार में साझेदारी से भी लाभ हो सकता है। गरीब कन्या को उड़द की दाल की, उड़द की दाल और चावल, इसका दान दो। चलिए देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। अमर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी, कल्याण हो जी आपका। करियर के बारे में जानना चाहते हो और घर कब तक बनेगा? घर कब तक बनेगा, करियर के बारे में जानना चाहते हैं अमर सिंह जी। सबसे पहले आप अपनी डिटेल अगर आपके पास है तो बताइए। 2872। 2872, समय और बताएं। दोपहर में 3:31 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सी जगह? जिला धुलिया। आपने पूछा है प्रश्न अपना मकान के लिए। अब आपको बताते हैं कैरियर और मकान के लिए। यहाँ पर आपका जो प्रश्न है तो कुंडली देखें, वृश्चिक लग्न की कुंडली, लग्न के स्वामी की बात करें, सुख भाव में अवश्य बैठे हुए हैं, अस्त हुए हैं केतु के साथ बैठकर, साथ में बुध की भी युति थी। महादशा इस समय जो चल रही है आपकी कुंडली के अंदर, वो महादशा चल रही है इस समय राहु की 9 से लेकर 27 तक। देखो क्या करना होगा आपने, अपना सबसे पहला तो काम कीजिए, ये पक्ष चल रहा है श्राद्ध का, एक नियम बना लो कि एक फल किसी मंदिर में देना है, नियम बना लो। और आपने एक फल के साथ साथ कोई छोटा बच्चा हो, गरीब बच्चा हो, ब्राह्मण का बच्चा हो, उसको आपने इन दिनों में ले जाकर पोशाक या वस्त्र देने हैं। राहु है, राहु को शांत करने का बहुत अच्छा मौका आपको है। उसके बाद नवरात्रों में आप हमें फोन कीजिएगा, नवरात्रों में हम आपको महामाई के कुछ उपाय बताएंगे जिससे आपको आशियाने का योग बनेगा। जय श्री कृष्ण। सीमा जी से बात कर लेते हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम। कल्याण जी आपका, डिटेल बताएं। हाँ जी, मेरी बेटी के अपने बारे में पूछना है, बेटी के बारे में। उसका नाम पार्ट है 1999 का। एक बार फिर से दोहराएं, पूरी डिटेल बताएं। उसका डेट ऑफ बर्थ है 1999 का तो जन्म हो गया उसकी। हाँ जी, तारीख और महीना बताओ। जनवरी का 1-2 की मध्य रात्रि 12:34 का टाइम है। 2 जनवरी 1999, ऐसे हो गया। हाँ जी, 1-2 की मध्य रात्रि, हाँ बीच 12:34 का टाइम। 12:34 AM हो गया। कहाँ का जन्म है? बुलंदशहर जी। क्या जानकारी चाहते हैं जी? हमें पूछना है उसकी मतलब गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी, कब तक उम्मीद है। आद्रा नक्षत्र का जन्म है, पूर्णमासी का जन्म हुआ है, चंद्रमा इनकी कुंडली में अवश्य दशम भाव में बैठे हैं। आप देख लेते हैं चंद्रमा महादिशा अंतर दिशा में क्या स्थिति है, और इनकी जॉब लगने का जो योग दिखाई दे रहा है गुरु, और गुरु के साथ आएंगे चंद्रमा 2020 में, अवश्य जॉब लगेगी, गज के स्त्री योग बनेगा। गुरु की महादिशा में चंद्रमा की अंतर दिशा और चंद्रमा बैठे हैं दशम भाव में, राजकीय सेवा करने का मौका मिलेगा, मगर उसके लिए उपाय भी करना होगा, गुरु को बलवान करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इनकी कुंडली में देखते हैं तो गुरु की स्थिति इनकी 28 डिग्री है, 27 डिग्री से ऊपर थोड़ा सा कम बल देता है, 27 से नीचे नीचे तो बहुत अच्छा बल देता है। गुरुवार के दिन, और ये अभी से करना शुरू कर दीजिए, 7 फल पीले पुजारी जी को दो, 7 गुरुवार, और अभी से देना, 2 तो अभी पड़ जाएंगे और बाकी पड़ेंगे नवरात्रों में। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ, कन्हैया जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद सर। जय हिंद। मेरा नाम कन्हैया छावड़ा जी, बताएं। जन्म तारीख है 25/7/1959 रायपुर छत्तीसगढ़। 25/7/1959 रायपुर छत्तीसगढ़, समय और बता दें। प्रातः 4 बजे शनिवार। रहता 4 बजे, क्या जानकारी चाहते हैं कन्हैया जी? मेरा सभी भाई बहनों से लगाव ठीक नहीं है, झंझट होता रहता है, और मैं अलग हूँ, करीबन 30 साल हो गए अलग बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं मिल रहा है, और एक प्रॉपर्टी पे दूसरे ने कब्जा कर रखा है, तीसरी प्रॉपर्टी है जो है तो मेरे अधिकार में लेकिन उससे कोई आय नहीं हो रही है, तो मेरा स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक नहीं रहता, पेट की प्रॉब्लम रहती है। वात और पित्त रोग आपको सताते रहेंगे? हाँ। वात पित्तरोग यही बताते हैं आपको कब से सता रहे हैं। वात पित्तरोग पिछले 15 से तो बहुत ज्यादा सता रहे हैं आपको। 15 से। अब एक बात बता दें, सूर्य की महादशा आई है, सूर्य के संध्या काल को खाना क्यों खाते हो आप? संध्या काल खाना मैं बहुत कम खाता हूँ। अब किसको छोड़ दो बिल्कुल, जितना आप संध्या काल को खाना खाओ, रात्रि को बिल्कुल खाना खाना छोड़ दो।
नहीं तो आप ठीक नहीं, यही तो पित जाएगा ही नहीं आपका, समझ लो ठीक ही नहीं होने वाला जी। इस बात का ध्यान रख लेना, क्योंकि वैद्य की दृष्टि से बता दिया, अब आपकी बता दें संध्या से पहले खाना खा लूँ रात्रि का। सूर्य अस्त खाना बंद, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपकी सूर्य की महादशा है, सूर्य आपकी कुंडली में जो योग बैठे हुए हैं उसके आधार पर आपका जठ रागिनी कम चलेगी, ध्यान रखे। व्यापार में बहुत नुकसान होता है, हर साल 5-7 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। देखिए शुक्र मंगल की जो युति है आपकी कुंडली के अंदर वो है तृतीय भाव में, और ये स्थिति यहाँ पर आपको बता दें कि बुध आपकी कुंडली में 25 डिग्री के वक्री हुए, चंद्रमा केतु के साथ दशम भाव में है, एकादश भाव के स्वामी की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा पीड़ित है। अब करना क्या है आपने, क्योंकि महादशा आपकी कुंडली में जिस समय चल रही है वो महादशा आपकी कुंडली में चल रही है अभी सूर्य की 15 से 21 तक, अभी हमने बताया कि आपकी जठर कमजोर हो गई। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, अभी तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, एक बार हमें नवरात्रों में अवश्य फोन कीजिए। अभी का उपाय बताए थे सोटी छतरी खड़ाऊ, ये पुजारी जी को भेंट दो, और ये देना मंगलवार को, और मंगलवार के दिन विशेष रूप से कम 9 व्यक्तियों को भोजन और अन्न और फल ये खिलाओ, जो भी आप यथाशक्ति खिला सकते हो, मीठा भी होना चाहिए, नमकीन भी होना चाहिए और फल भी होना चाहिए, एक बार खिला लो। जो संपत्ति का विवाद है पितृ दोष तो कम से कम होगा, फिर नवरात्र में बताएंगे ठीक हो जाएगी स्थिति। जय श्री कृष्ण। अंकिता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। पंडित जी मेरी जन्म तारीख है 7 जनवरी 93। एक बार फिर से दोहराओ बच्चे, 7 जनवरी 93। 7 जनवरी 93। हाँ। समय और स्थान बताओ। समय शाम के 6:20। 6:20 कहाँ का जन्म है? नागपुर महाराष्ट्र जी। क्या जानकारी चाहते हो जी? पंडित जी मुझे मेरे दो सवाल है, एक मेरे फैमिली के बारे में और एक मेरे बारे में। मुझे मेरी सूर्य कुंडली के बारे में जानना है और मेरे फैमिली के और हमारे खिलाफ हमारे शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, उसके लिए उपाय बताइए पंडित जी। आसपास के पड़ोसी बहुत परेशान करते हैं। सूर्य कुंडली की बात करेंगे तो छठे भाव में केतु बैठे हैं, और आपको बता दें कि सूर्य कुंडली का अगर हम बात करते हैं तो द्वादश भाव में राहु हैं। आपको पता है कि आपकी सूर्य कुंडली बलवान है, ये आप जानते हैं, क्योंकि 23 डिग्री की सूर्य कुंडली है, लग्न कुंडली आपकी सिर्फ 2 डिग्री की है, और जबकि चंद्र कुंडली भी आपकी 10 डिग्री की, यानी कि आपकी बलवान अगर कुंडली हुई तो सूर्य कुंडली उसको फॉलो अच्छा किया आपने, बुध आदित्य योग यहाँ पर बना हुआ है। उपाय बताएं आपको सरल, सूर्य की उपासना और बुध की उपासना दोनों की, बुध आदित्य योग की उपासना मत छोड़ना, क्योंकि ये आपकी कुंडली के अंदर बहुत बलवान है, और महादशा जिस समय चल रही है आपकी कुंडली में वो चल रही है अभी गुरु की, और उसके बाद आ जाएगी 22 से शनि की, क्योंकि शत्रु पक्ष और ज्यादा बढ़ जाएगा। अपनी एक्टिविटीज अपने काम किसी को जब तक पूरे ना हो बताना नहीं है, ये बिल्कुल खोलना नहीं है, खुलासा नहीं करना। उपाय क्या करें आप, उपाय अभी नौरा ये श्राद्धों के जो पक्ष चल रहे हैं इनमें तो आप कोई भी महिला हो, कोई भी बुजुर्ग महिला हो, उसको आप चप्पलें पहनने वाली चप्पलें दे दो, उसको आप वस्त्र दे दो, उसके आप भोजन दे दो, ये आपने देना है शुक्रवार और गुरुवार को, देखे देखो एक बार आपकी राशि को बल मिलेगा। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ आशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी प्रणाम। कल्याण हो जी आपका। हाँ बेटी बारे में जानना, 19 सितंबर 19 19 सितंबर जी आ गया 19 सितंबर नहीं नहीं गुरु जी नहीं 27 सितंबर 27 सितंबर जैसा कहेंगे हम तो टाइप कर देंगे। 27 सितंबर 6:29 का ही है जी। 1900 जी आराम से बताओ, आराम से। 69 आपने बताया हमें 27 सितंबर 1969। समय और बताइए। 1:10 रात्रि को। 1:10 रात्रि हो गई या 27 की रात हो गई, 26 की रात हो गई? 26 की रात। 26 की रात तो 27 1:26 एम हो गया। कहाँ का जन्म है फटाफट बताइए। देवरिया। क्या जानकारी चाहते हैं बताएं? इनके गुरु जी ब्रेन में कुछ दिक्कत आ गई है तो ये कैसे समस्या खत्म होगी? डॉक्टर ने बताया इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन है, रिपोर्ट में क्या बताया? M2, M3, M5 क्या बताया? M6 तक तो नॉर्मल होता है व्यक्ति। इन्फेक्शन बताया है और वो उसके बाद से इनको 3-4 बार चोट भी लगती थी, तभी तो हमने पूछा। ये जो टेक्निकल ये आपको पता नहीं, शायद रिपोर्ट में होगा तो आपको पता नहीं लगेगा, मगर यहाँ पे कुंडली देख कर हम बता देते हैं आपको। देखो मंगल इनकी कुंडली के अंदर बैठे हैं छठे भाव में। अब हम समझने का प्रयास करते हैं और आपको भी समझा देते हैं कि कर्क लगन की कुंडली देखने को मिली है जो आपने डिटेल बताई है, और ये बात बताएं
देखो एक चीज बताते थे आपको कि आने वाले समय में ठीक तो हो जाएंगे, थोड़ी आपको मेहनत और उपाय भी करने होंगे। सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, चाव मुखा दीपक लीजिए, अपने घर के साउथ में सरसों के तेल का प्रतिदिन जलाना शुरू कर दीजिए श्राद्धों के टाइम पे, ये तो आप जलाइए, और नवरात्रों में हमें फोन कीजिए, किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़िए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या करें और क्या ना करें। जैसी चलिए अगले कॉलर हमारे साथ, समय अब हो चला है एक छोटे से अंतराल का, आप कहीं मत जाइए क्योंकि अंतराल के बाद हम आपको बताएंगे आज के महा उपाय में कि श्राद्ध तर्पण करते समय किस बात का ध्यान रखें और किस विधि से तर्पण करें, बताएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं अपना बेहद पसंदीदा कार्यक्रम आज का गोल्डन। बात कर लेते हैं आपकी बाकी राशियों की, और तुला राशि में गोचर की स्थिति कहती है कि आज लोहे के कारोबार में जुड़े जितने लोग हैं उनको लाभ होने के संकेत दिखाई देते हैं, कारोबार में बढ़ोतरी होगी, पक्षियों को दाना पानी अवश्य डालो। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, मंगल की राशि है, उच्च शिक्षा के लिए लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, पढ़ाई में मन लगेगा, शहद और सौंफ खांड का दान देना आपके लिए आज बहुत हितकारी रहने वाला है। बात करते हैं गुरु की राशि, गुरु की राशि वालों के लिए क्या संकेत है, धनु राशि वालों के लिए आज प्रिंटिंग फोटोग्राफी कारोबार से जितने लोग जुड़े हैं, कागज संबंधी कारोबार से जुड़े लोग हैं उनको अचानक लाभ होने के संकेत दिखाई देते हैं, पीले कपड़े का दान करना आपके लिए लाभ बढ़ा देगा। बात करते हैं मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए रचनात्मक कार्यों में रुचि आपकी बढ़ती दिखाई दे रही है, अपनी वाणी में माधुर्यता रखें और साथ में तभी आपको लाभ होगा, परिवार का वातावरण आपका सुखमय भरा रहेगा, ब्राह्मणों को लाल वस्त्र काली छतरी का दान अवश्य दें। बात कर लेते हैं कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए गोचर के हिसाब से आप थोड़ी सी आज आप कमजोरी महसूस कर सकते हैं, मगर आत्मविश्वास में आपके जो बढ़ोतरी थी वो थोड़ी कमी भी आ सकती है, रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला दो। बात करते हैं आज की अंतिम राशि मीन राशि की, स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट या परेशानी आपको महसूस हो सकती है, किसी काम में मन तो थोड़ा कम लगेगा आपका, पीपल पर सरसों के तेल का दीपक जलाओ, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, सेहत भी उत्तम रहेगी, काम में मन लगेगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, सुनीता जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते पंडित जी, कल्याण हो जी, आपका डिटेल बताइए। आज मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है जी, आज उसका जन्मदिन है। उनका नाम बताएं पहले बिटिया का। पूजा जी 27 सितंबर 1995 सुबह 8:40। 27 सितंबर 1995 सुबह 8:40। कहाँ का जन्म बताया? नरेला जी, दिल्ली। नरेला दिल्ली, क्या जानकारी चाहते हैं? उसके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, अरे सर नौकरी कल तक मिल जाएगी उसको सरकारी। बिल्कुल आपको बताते हैं, स्वाति नक्षत्र की कुंडली है, वैदिति योग तृतीया कृष्ण पक्ष का जन्म है, चतुर्भाव के स्वामी की बात करेंगे तो राहु के साथ है, मेहनत करने के बावजूद ही नौकरी मिलेगी, इसको कहना और मेहनत करनी होगी, यहाँ कितने परसेंट मेहनत बताते हैं ये बताते हैं, इससे कहिए बच्ची से कि 25 से 34% मेहनत करनी होगी, यानी इतनी मेहनत करती है पढ़ाई करती है, इतनी और पढ़ाई करे तो ये कंपटीशन के दौर में जरूर सफल होगी। यहाँ पर समय बताते हैं, इसका योग बनेगा 25/7/2019 तक अवश्य योग बनेगा। जय श्री कृष्ण। अगले कॉलर है हमारे साथ मंजीत कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सुन पा रहे हैं मैं आप मंजीत कौर जी, हमारी आवाज आपको आ रही है? लगता है मंजीत कौर जी की आवाज पहुंच नहीं पाई, तो ऋचा जी से भी बात कर लेते हैं, वो भी लाइन पर है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार जी, मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 2000। नाम बताइए पहले। नमन। अब बताइए 17 मई 2001। समय और स्थान बताएं। समय है सुबह के 9:30 बजे, स्थान कानपुर। क्या जानकारी चाहते हैं जी? इसको पुखराज पहना सकते हैं क्या, और कितने रत्ती का पहनाना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में बिजी रहता है हर समय। आपको किसने बताया पुखराज पहनाने के लिए? जिसमें कि एक बार किसी ने बताया था हमें कि पढ़ाई में जिसमें मन लग सके।
चलिए हम भी देख लेते हैं। दशमी कृष्ण पक्ष वैदित योग उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र प्रथम चरण की कुंडली देखने को मिली है और बात कर लेते हैं इनके लगन भाव की। तो लगन भाव में तो वो मिथुन राशि है, यानी कि मिथुन लगन की कुंडली है। राहु यहाँ बैठे हुए हैं। गुरु सूर्य बुध और शनि द्वादश भाव में है। पुखराज तो ठीक बताया किसी ने आपको। महादशा देखते हैं। महादशा जो इस समय बच्चे की चल रही है वो चल रही है निकल गई गुरु की। तो गुरु की महादशा निकल गई, अब तो शनि की महादशा आ गई और आपको अब पहनाने का कोई फायदा उतना नहीं मिलने वाला। बल्कि आपको एक सरल उपाय बता देते हैं। राहु क्योंकि लगन में है और लगन के हिसाब से अनंत काल सर्प योग बना हुआ है बच्चे को, इसका अनुष्ठान करिए। 7 ग्राम का चंदन का चकोर टुकड़ा कर लीजिए, उस पर हो सके तो अगर आपको एक तरफ उसके लाल सिंदूर से या लाल पेंट कर दीजिए, लाल पेंट कर दीजिए, एक तरफ पीला रहने दीजिए, एक तरफ लाल पेंट कर दीजिए और गले में धारण करा दीजिए। इसके वजन के बराबर 5 बुधवार हरा चारा दीजिए और प्रतिवर्ष दिया करो। काल सर्प का पूर्ण अनुष्ठान करा लेना। जय श्री कृष्ण। अब बात करते हैं आज के महा उपाय की। हमारा आपसे वादा होता है कि हम आपको महा उपाय में, आजकल तो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो श्राद्ध पक्ष के बारे में बताएंगे। श्राद्ध काल करते समय शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन और ब्राह्मण, इन तमाम चीजों का, ये 7 चीजें शुद्ध होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें आप। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण, उंगलियों की तरफ से तो देव तर्पण किया जाता है। अभी समझ लें आप, जब हम तर्पण करते हैं ना, देव तर्पण, तो यहाँ कुशा लगाते हैं, कुश ग्रहणी अमावस्या की जो कुशा निकाली हुई होती है यहाँ लगाते हैं, तो ये देव तर्पण, ये देवताओं को गया। और मुट्ठी की तरफ जब हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं, तो मुट्ठी की तरफ जब इधर कुशा लगा लेते हैं तो ऋषि तर्पण, अगस्त ऋषि, जितने ऋषि है ना, भरद्वाज ऋषि, ये सब इनके लिए, इनके लिए। और जब हम कुशा को बदल देते हैं तो कुशा हम अंगूठे की तरफ कर देते हैं, तब हमारे पितरों के नाम, दादा, दादी, नाना, नानी, जिसके नाम से भी तप्तत्याम, तप्तत्याम यहां से दुग्धम तप्तत्याम, इस रूप से ही करना चाहिए। श्राद्ध क्रम ब्राह्मण कराएगा तो आपको इस रूप से ही कराएगा, मगर आप स्वयं करते हैं तो ऐसे 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 नहा करें। और आज का लकी टिप क्या है, जो मनुष्य अपने पूर्वजों के निर्मित वस्त्र दान देते हैं उनके पितर भक्ति भाव बना रहता है, उनका भक्ति भाव उनके प्रति रहता है और दान देने से वो संतुष्ट भी होकर उनको आशीर्वाद देते हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि आपके पितर आपको आशीर्वाद दें भाई और आपका जीवन हो सफल। तो आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए महा उपाय गुड लक टिप के साथ। आप बने रहिए समाचार प्लस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, आप रहिए सुरक्षित। जय श्री कृष्णा।